रेडीमेड पिज़्ज़ास, दिस इस एस के एफ़ सी स्टाइल चिकन जो एक नया प्रोडक्ट है और ज़्यादातर तो लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ दिस इज़ सुपर बर्गर पैटी इसको कैफ़े वाले जिंगा बर्गर बोलते हैं जो नॉर्मल साइज से बड़ा बर्गर आता है विश फिंगर्स सबसे ज़्यादा चलने वाला जो प्रोडक्ट है फ्रेंच फ्राइज ये तो सब लोगों को पता है चिकन सॉफेजे चिकन सोफेजेस चिकन पॉपकॉर्न हमारे पास मोजरेला भी 200 हंड्रेड ग्राम्स में अवेलेबल होता है बाकी मोस्टली सारी दुकानों में एक किलो में अवेलेबल होता है सब टालू पराठास की रेंज सारी अब वेज की कैटेगरी में हम आएंगे तो वी कैन सी चीज़ी कॉर्न ट्राइंगल्स चीज़ एंड एलेपिनो पॉपर्स मोमोज अब ये फ्रोज़न फूड इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है क्या जैसे कि आप लोग देखेंगे कि फ्रोज़न फूड का जो अवेयरनेस है इंडिया में ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट लोगों को पता है व्हाट इज़ फ्रोजन फूड उसके अंदर सिर्फ लोगों को इतना ही पता है कि फ्रेंच फ्राइज हो गया पराठे हो गए दीज ऑल वेरियंट्स फ्रोजन फ़ूड्स के अंदर लोगों को पता है बट लोगों को ये नहीं पता द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रोज़न फूड इज़ वेरी लार्ज अलहमदुल्लह हम लोगों ने ये बिज़नेस को अपस्केल किया है विद इन फाइव मंथ्स फाइव मंथ्स के अंदर अलहमदिल्ला हमारे आठ ब्रांचेज ओपन हुए हैं मुंबई में अगर दस कैफ़ेज़ एक जगह पे हैं आप ग्यारहवा खोल रहे हो तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हो आप वही चीज़ कर रहे हो जो बाकी दस लोग कर रहे हैं क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है दोस्तों आज मैं आया हूँ नईम बाइक के यहाँ पे जहाँ पर फ्रोजन आइटम की दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने मिलेगी नईम भाई एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं यहाँ पर मैं आपको नीम भाई से मिलाना चाहता हूँ और मैं बताऊँगा कि नीम भाई का किस तरह काम है नईम भाई किस तरह काम करते हैं उनका काम यहाँ पर कैसा है और ये फ्रोज़न फूड की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें होती है इसकी जानकारी पूरे नईम भाई आपको देंगे असलकम आज सलमान भाई हमारे पास आए हैं क्रिएट अ वीडियो ब्लॉग ऑफ़ फ्रोज़न फूड इंडस्ट्री अब ये फ्रोज़न फूड इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है क्या जैसे कि आप लोग देखेंगे कि फ्रोज़न फूड का जो अवेयरनेस है इंडिया में ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट लोगों को पता है व्हाट इज़ फ्रोज़न फूड उसके अंदर सिर्फ लोगों को इतना ही पता है कि फ्रेंच फ्राइज हो गया पराठे हो गए दीज ऑल वेरियंट्स प्रोजन फूड्स के अंदर लोगों को पता है बट लोगों को ये नहीं पता द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रोज़न फूड इज़ वेरी लार्ज और काफ़ी माशाल्लाह न्यूक्रेटिव बिजनेस है फ्रोज़न फूड्स के अलावा जैसे कि आप देखेंगे फ्रोज़न फूड्स के अलावा ये सारे ड्राई आइटम्स भी लोगों को लगते हैं इसके अंदर कम से कम 10 से 15 वर्टिकल्स हैं जैसे कि हाउस में तो बच्चों को हमारे टिफ़न्स में लगता ही आज की तारीख में कैफेज़ को लगता है होटल्स को लगता है रेस्टोरेंट्स को लगता है शिपिंग इंडस्ट्री में लगता है शारमा आउटलेट्स में लगता है इवेंट्स में लगता है अगर आपके घर में एक छोटी सी गेट टुगेदर है आपने भाई बहनों को आपके बुलाया है उसके अंदर आपको तो किसी केटरिंग वाले को अर्जेंट हार्ड एंड फास्ट आ गया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपने लिया तल दिया दे दिया टोटली हाइजीनिक फूड है और अलहमद हम लोगों ने ये बिज़नेस को अपस्केल किया है विद इन फाइव मंथ्स फाइव मंथ्स के अंदर अलहमदिल्ला हमारे आठ ब्रांचेज ओपन हुए हैं मुंबई में जिससे हम ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो बॉम्बे में सिचुएटेड हैं इंडिया में सिचुएटेड हैं अगर वो लोग नाइन टू फाइव की जॉब कर रहे हैं बहुत से लोग हमारे पास इस तरीके के भी आते हैं अरे भाई अठारह तारीख को ही पगड़ ख़त्म हो जाती है बरकत नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1.50 पॉइंट में डेढ़ लाख रुपए में आप ये बिज़नेस वहाँचा स्टार्ट कर सकते हो और हम लोगों ने इंटरनेट का एकदम परफेक्ट यूज़ करके हम लोगों ने ये बिज़नेस को बहुत अप स्केल तक बढ़ाया है विद इन फाइव मंथ्स और ये हर एक आदमी कर सकता है मेरे में कोई स्पेशलिटी नहीं है अल्लाह का करोड़ों एहसान है बस हमने हमारे रिसोर्सेज को सही जगह लगाया है और इंटरनेट फ्री है तो मैं ये नौजवानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको बिज़नेस करना है और अच्छा बिजनेस करना है जो दूसरे शवरमा आउटलेट्स हैं कैफेज हैं अगर दस कैफेज़ एक जगह पे है आप ग्यार खोल रहे हो तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हो आप वही चीज़ कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो मैं गाइड भी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे दिल से कि अलहमदिल्ला अपनी कौम के बच्चे आगे बढ़ें और सही तरीके से आगे बढ़ें आप देखेंगे कि मेरे जितने भी ऑटो आउटलेट्स हैं अलहमदल्ला जो डेडिकेटेड डेडिकेटेडली मेरे बोलने पे काम कर रहे हैं कि इस तरीके से आप आपके बिज़नेस को मैनेज करो वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और अलहमद लाला वो लोग खुद हमें दूसरे बंदे ला के दे रहे कि नहीं भाई ये मेरा दोस्त है इसको आप फ्रेंचाइजी दीजिए अब आप लोगों को मैं प्रोडक्ट्स की रेंज बताता हूँ देर इज़ अ वास्ट रेंज ऑफ फ्रोज़न फूड प्रोडक्ट्स लोगों को सिर्फ तीन या चार चीज़ें ही पता है जैसे कि आप आगे आएंगे समोसा पट्टी दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्रोज़ेन फूड प्रोडक्ट्स जो रमज़ान में लगता है रेडीमेड मेड आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ बेक करना है इन द ओवन डेरी प्रोडक्ट्स के अंदर चीज़ तो आप फ्रीज़र में ही रखते हो चिकन गार्लिक फिंगर्स दिस इज़ के एफ़ सी स्टाइल चिकन जो एक नया प्रोडक्ट है और ज़्यादातर तो लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि के एफ़ सी स्टाइल चिकन भी रेडी आती है उसके बाद हमारे पास पराठे इसकी पूरी रेंज है जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज़ रोटी एंड दिस इज़ मैदा पराठा ऑफ शाइन दिस इज चिकन सलामी दिस इज सुपर बर्गर पैटी इसको कैफे वाले जिंगा बर्गर बोलते हैं जो नॉर्मल साइज से बड़ा बर्गर आता है फिश के अंदर भी सारी रेंज आती है फिश फिंगर्स सबसे ज़्यादा चलने वाला जो प्रोडक्ट है प्राइस प्राइस ये तो सब लोगों को पता है चिकन सॉसेज चिकन पॉपकॉर्न हमारे पास मोजोरेला भी 200 हंड्रेड ग्राम्स में अवेलेबल होता है बाकी मोस्टली सारी दुकानों में एक किलो में अवेलेबल होता है सब टालू पराठास की रेंज सारी जैसे आप मैकेन के स्माइलीज देखते हो हाइफ़न की रेंज है अल्फाबेट्स ए बी सी डी बटाटा ही है स्माइली से प्राइसिंग इसका काफ़ी बढ़िया है एज़ वेल एज़ चिकन बॉबा पैटिन चिकन पॉपकॉर्न वेज में आलू टिक्की है चीज स्प्रेड्स वगैरह भी है मेरे पास अवेलेबल अब वेज की कैटेगरी में हम आएंगे तो वी कैन सी चीज़ी कॉर्न ट्राइंगस चीज़ एन एलेपिनो पॉपर्स मोमोज और फ्रोजन फूड्स में आप ये भी देख सकते हो कि हम विपिंग पिंग्स भी रखते हैं जो केक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जैसे मैंने आपको बताया पहला कि विपिंग क्रीम्स भी फ्रोजन फूड की कैटेगरी में ही आते हैं केक इंडस्ट्री को नहीं तो उसके अलावा वहाँ पे आप मेरे पास डेरी मिल्क्स वगैरह भी देख सकते हो बहुत प्रोडक्ट्स रेंज है मेरे पास चिकन विंग्स है चिकन पॉपकॉर्न है तो ये सारी रेंज जो है इतनी वास्ट रेंज बहुत कम लोग रखते हैं इन एंटायर मुंबई आपको फिश की पूरी रेंज मिलेगी प्रॉन्स की पूरी रेंज मिलेगी चिकन की पूरी रेंज मिलेगी वेज की पूरी रेंज मिलेगी अब प्राइजिंग फैक्टर के ऊपर जब हम आएंगे तो मेरा प्राइजिंग सबसे बेस्ट है पूरे मुंबई में थ्री हंड्रेड रुपीज़ में आपको क्या ऑफ़र आती है कंपनी से ये मैं आपको ऑन द स्पॉट बता देता हूँ नगेट्स पॉपकॉर्न बर्गर पैटी फिंगर सलामी सॉसेज और चार वैरायटी की सीख है हमारे पास जो आप ये देख रहे वो टिंग्लिश दिस इज द ब्रांड विच वी प्रमोट ये रहा दिस इज द ब्रांड विच वी प्रमोट इन सीख कैटेगरी जिसके अंदर मलाई कुलपी सीख आती है स्पाइसी सीख आती है ब्राइट हॉक सीख आती है एज वेल एज इटालियन हॉब वाली सीख आती है जो <laughs> इटाली गाँव का पीज़ा में यूज़ करते होज़ अ टॉपिंग उसके अलावा हमारे पास बहुत ऐसे है प्रोडक्ट हैं जो यूनिक है और वी आर एडिंग एवरी न्यू कैटेगरी एवरी वीक एंड एवरी मंथ तो ये बिजनेस अगर आपको स्टार्ट भी करना है तो आई हाँ, एम रेडी टू गाइड यू और इसके अंदर मेरा कोई स्वार्थ भी है अलहमदिल्ला ने मुझे बहुत नवाज़ा है और मुझे मेरे टैलेंट पर पूरा भरोसा है मैंने बीस हज़ार रुपये से शुरू किया था और अलहदुल्ला आज मैं जिस मकाम पे हूँ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अल्लाह का करोड़ एहसान है, है तो इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बिज़नेस आप सब कर सकते हो बॉम्बे के अंदर देर आर थर्टी फाइव लोकेशन्स विच आर टोटली एम खाली है जहाँ पे फ्रोज़न फूड मिलता ही नहीं है लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है तो आप इस वीडियो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुँचाई और वी आर लोकेटेड एट डोंगरी फिश मार्केट ऑपोजिट सैनर्स रोड स्टेशन सलमान भाई ये मेरा नंबर ने उनको बताइए दिस इज़ माई मोबाइल नंबर आप लोकडाउन कर सकते हैं और मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है Start. अब ये जो आप मेरा नंबर देख रहे हो ये नंबर और मेरा एड्रेस और एंटायर डिटेल्स सलमान भाई अपने वीडियो ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आगे बढ़िए आप जॉब कर रहे हो करिए नो प्रॉब्लम नाइन टू सिक्स आप जॉब करिए बट एक ऐसा बिजनेस साथ साथ में खड़ा करिए कि आपके बच्चों को तकलीफ़ ना हो और आपको सोचना ना पड़े अगर आपको कोई ऐसी चीज़ का खर्चा आके खड़ा हो जाए जो आप अफोर्ड ना कर सको क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है भाई डेढ़ लाख रुपया इज़ नथिंग असल और शुक्रिया ये है डोंगरी फिश मार्केट मेरे सामने डोंगरी फिश मार्केट है यहाँ पे